अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल खुश आमदीद। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हाँ जी उस्मान इंटरप्राइजेज वर्कशॉप है जी। थोड़ी वास्ते ट्राली तैयार हुई है जी, नवे मॉडल दे विच है, पुराने मॉडल दे विच है जी। तो बाकी तुहानू इन्हां दे बारे दस दें जी, इहदा किन्ना खर्चा है और कित्थे जा रही है। अगर किसी ने ट्राली दे उत्ते जाली लगवानी है उहदा किन्ना खर्चा है, ट्राली मुकम्मल बनवानी है उहदा किन्ना खर्चा है। बाकी जी साडे इत्थे आम सादा ट्राली चलती है, मिट्टी वाली ट्राली के उत्ते ही वो जाली लग जाती है तो उही काम करती है, लेकिन वो ट्रैक्टर नू और पिछे चापर मशीन नू तंग बहुत करती है, जंपिंग करती है, जिहदे नाल चापर भी तंग होंदी है, झटके वजदे ने। लेकिन यह जिहड़ा मॉडल है जी ये बड़े आराम सुकून नाल पिछे चलता है, तो चापर नू और अपना जिहड़ा ट्रैक्टर है उहनू इह तंग नहीं करता, झटके नहीं लगते और इहनू मोड़ना जिहड़ा है तो भी बड़ा आसान है। तो बाकी जी तुहानू इस डिजाइन के बारे मालूमात दिंदे हां कि यह जी ट्राली मुकम्मल किन्ने की बन रही है और ये किहड़ी जगह पर जा रही है। वीडियो में मुकम्मल देखियो, वीडियो अच्छी लगे लाइक तो शेयर जरूर करो और मजीद इस तरह की वीडियो देखने वास्ते साडे चैनल अपना पाकिस्तान सबसक्राइब करो। बाकी जिस तरह बाहर फार्मा ते काम हुंदा इस तरह ही है, लेकिन ये बाहर नहीं जा रही है, पाकिस्तानी इत्थे फार्म ते चलनियां ने। तो भाई साढ़े नाल मौजूद है, इन्हां कोल पुछदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई अपना नाम? मेरा नाम अबकर सिद्दीक जी। अच्छा जी, अपना समान इंटरप्राइजेज वर्कशॉप आप खड़े हैं तो नवे मॉडल दी ट्रालियां जी देखी हैं जी तुहाडे कोल जी जी, तो ये तो इन्हां दे बारे दसो जी। अपना ट्राली जी नवे डिजाइन दे विच तैयार हुई है, ये पुरानी है जी हुण नवी तैयार हुई है? नहीं जी, ये पुरानी है, असीं तैयार करके दित्तियां ने पहले। हाँ जी, अज तकरीबन 2-2.5 साल पहले तैयार की थी सी, हुण आई है साडे कोल जाली लगणा सिवा। सही, दोबारा जाली वास्ते आई, दोबारा जाली वास्ते आई। अच्छा, पाकिस्तान च जिहड़ी तूड़ी वाली ट्राली चलदी है चापर दे मगर, सादा ट्राली दे उत्ते जाली लगदी है? हाँ जी बिल्कुल। एक स्पेशल मॉडल है, इहदा की फायदा जी? इस तरह डबल ट्राला लगा जी, जिहड़ी ए चीज लगी है इहनू कहिंदे ने असीं कहिंदे टर्न टेबल। हाँ जी, ये चलान च ते मोड़न च बड़ी आसानी हुंदी है। हाँ जी, उस तो बाद लोड इहदे डिवाइड हो जांदा। हाँ जी, दूसरा साढ़े आम तुसीं इधर वेखोगे ना, ए जिहड़ा मॉडल है ए हैगा आम जिहड़ा चलदा है, ए जिहड़ा है ए बाहर दा मॉडल है जिहड़ा बाहर फार्मा ते इधर उधर चलदा हुंदा। सही, इहदे च वी देखिआ कि जिहड़ी ए सादा ट्राली है ना, ये चापर ते वजन पाएगी, कभी नप देगी, कभी चुक देगी, ते ए जिहड़ी ट्राली है ये काम नहीं करेगी। ये नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, ये बड़े तरीके ने चलदी है, बड़े आराम नाल तुसीं कह लो कि एक बच्चे नूं सी बा दे हो ना। हाँ जी, ते वो भी अगे पिछे कर सकदा, ट्राली जिहड़ी है चापर नूं भी तंग नहीं करदी, ते ये दसो कि इहनां दी अगर कीमत दी आपां गल करिए, ये किन्ने दी तैयार हुंदी है ट्राली और ये किहड़ी जगह ते जा रही है जी? ये जी रायवंड दे कोल साडे इक अजीज़ ने, उहनां दा हैगा ने फार्म। सही, उहनां दे फार्म, उहनां दे फार्म ते चली है। सही हो गया, माशाल्लाह उनका रकबा काफ़ी है, तो इस्तेमाल करते हैं, पहले उन्होंने परचेज भी साढ़े को की है, उन्होंने सादी ट्राली थी। सही, यह जो ना असी जाली उत्ते इंस्टॉल करके दिती है। सही हो गया जी जी, तो बाकी ट्राली का अगर बनवानी किसी ने तो कितना कितना खर्चा आ जाता जी? हुण जे ते सादी ट्राली लैके आते हैं तो उत्ते जाली वगैरह लगवानी है तो ये खर्चा तकरीबन 2 to 3 lakh के विच आ जाता। सही, सिर्फ जाली का? हाँ, सिर्फ जाली का, वो अगले बंदे का होंगे कि किस तरह की चीज़ चाहता। सही, तो बाकी अगर इस तरह की तैयार करवानी है किसी ने मुकम्मल? मुकम्मल है तैयार करानी है 10 to 12 lakh के बीच बनती है। एक आम जिम्मेदार तो नहीं इस तरह की ट्राली बनवाता, वो सादा नाल ही काम चलाता है, लेकिन जेड़े एक अपना नवे मॉडर्न जेड़े जिम्मेदार ने ते बड़े फार्मा ते जेड़े अपना काम करते हैं उन्होंने वास्ते कि जो तूड़ी भी ज्यादा आएगी, साइज भी वड्डा है और धुरा भी डबल लगा है, ट्रैक्टर भी ईजी रहा है, पिछले चापर भी जी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और ट्राली भी बड़े आराम नाल, ये तूड़ी भी ज्यादा आती है। बाकी अपना प्राइस तुम दस दी है। अच्छा, अगर किसी ने बनवानी है तो रबता करना हो तो नंबर दस जी। नंबर साढ़ा है 0344। हाँ जी, 444। सही, 2999 मेरा नंबर है, कंपनी का नंबर है साड़ी जी। ये सादी ट्राली लिया ने, जे ए चीज़ बनवानी है ये तकरीबन 10 to 12 lakh रुपये लग जाता। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਦੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਸਾਦੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, 2.5 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, 3 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਜਾਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਣਵਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਬਣਵਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੀਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ft 8 ft ਬਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, 12 ft 8-12 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਰੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁਰੇ 2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਰਾ, ਤੇ ਟਰਾਲੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੈਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਹੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਸੀ ਕੈਬਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਡੀਲਰ ਨੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।